अब आप भी देखिए ना, 45 डिग्री में चल रही हैं। आपको प्रणाम एक जोरदार ताली इनके। आर भारत भाई मान गया आपको, 4 दिन से हमारी ये नारी शक्ति इस भीषण गर्मी में चल रही है, जहाँ पे और रिपोर्टिंग दे रही है देहात का, सत्य का, कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं बिहार अंदरूनी गांव में भी है, ना कि गोरखपुर शहर में है। ये सत्य है जो कि सब लोग कहते हैं हरा हरा। फिर एक बार भारत माता की। और ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री में दीवानगी देख रहे हैं, ये मोदी जी की दीवानगी। सली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को योगी आदित्यनाथ महाराज है। सर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, मैंने कल देखा, और उसमें आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप साधु बनने वाले हैं, इसका क्या तात्पर्य है? नहीं नहीं, ऐसा मैं बन सकता हूँ, कोई भरोसा नहीं मेरा। गोरखपुर से उसी रास्ते चल रहा हूँ, मुझे अपने आप से डर लगता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पिता साधु थे, पता नहीं ऐसे ही दिशा में। प्रधानमंत्री मोदी जी भी साधु ही हैं, योगी जी भी साधु हैं, आप रह के भी अंदर से साधु आप हो सकते हैं। यानी कि एक सेवक वायरल हो गया क्या? अच्छा, हमको नहीं मालूम। अच्छा, साधु आप कह रहे हैं कि आप साधु बन जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा और लगातार देख रही हूँ, आप कह रहे हैं कि गोरखपुर में आप फिल्म सिटी बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको लगातार आप जनता के बीच एक्टिव भी रहते हैं और फिल्म सिटी भी बनाने की बात करें, फिर अचानक से साधु। साधु तो आप सेवा करते हुए भी साधु रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहाड़ में जाए या दुनिया छोड़ के साधु। आप सूटेड बूटेड भी साधु रह सकते हैं, अंतर आत्मा। एक साधु के वेश में जब आप आएंगे तो क्या फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ने वाले हैं? नहीं नहीं, काहे के लिए छोड़ेंगे? मैंने कहा मैं ऐसे साधु हूँ, साधु पूरी तरह बन सकता हूँ, भविष्य का कुछ मालूम नहीं। भविष्य का कुछ नहीं, अभी आप कह रहे थे आपको अपने आप से डर लगने लग गया। मैं कुछ भी रूप धारण कर लेता हूँ, कलाकार हूँ ना। रूप तो आप धारण करते रहते हैं सर, लेकिन एक साधु के वेश में हम आपको कब देखने वाले हैं? कि आप, क्योंकि सबके मन में अचानक से विचार आ गया कि साधु हूँ मैं, साधु का ही तो भेष है ये, मेरे पिता भी साधु थे। और सर एक और सवाल, चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है, चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बाघा बॉर्डर खोल देंगे इलाज के। यही तो सोच है, वो खालिस्तान भी बनाना चाह रहे हैं, तो यही सारी सोच है, वही तो मैं आगाह कर रहा हूँ देश को कि जाग जाओ मेरे दोस्तों, निहोरा है। मैं जान रहा हूँ ये सोच, मंदिर पर ताला, खालिस्तान बनाना, पाकिस्तान के लिए बाघा बॉर्डर खोल देना। देखिए इनके मुंह से सच निकल गया, 1 जून को इनको वोट के साथ चोट करिएगा, नहीं तो बहुत पछताएगा मेरा भारत। अच्छा एक और सवाल सर, आपकी ही पार्टी के कंगना रनौत और फिल्म इंडस्ट्री से भी हैं, उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो एमपी ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहती हैं, क्या आप भी ऐसी कोई इच्छा रखते हैं? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का नंबर वन सांसद तो बन गया था, और ये अच्छा एक कलाकार में सेवा भाव आए, और वो हमारी बहन है, हमको बहुत, मेरी को एक्ट्रेस भी रही है तन्नू वेड्स मनु में, और मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। राष्ट्रभक्ति में आगे निकले तो व्हाई नॉट, वो एमपी ऑफ द अवार्ड, एमपी ऑफ द ईयर जरूर ले जाएंगी। ऐसा अवार्ड अभी तक किसी को मिला? सदन में, पार्लियामेंट में मिलता है, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिलता है। क्या चाहते हैं आप कि इस बार के चुनाव में, चुनाव के बाद आपको भी अवार्ड मिलेगा? नहीं, सेवा के बाद मिलेगा। मैं कैसा सांसद हूँ, मेरे कार्य, मेरा अटेंडेंस क्या है, मैं सदन में कितने प्रश्न रखता हूँ पटल पर, मैं एक्टिव सांसद हूँ क्षेत्र में भी और पार्लियामेंट में, तब जाके ये अवार्ड मिलता है। लंबी तपस्या है, लंबी तपस्या है। जी जी, तो यानी कि आपको लग रहा है कि क्योंकि वो अभी राजनीति में नहीं है, क्या उन्हें मिल सकता है? सेवा करेंगी तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, नारी को तो प्रधानमंत्री जी 33% रिजर्वेशन दे के आज महिलाओं को आगे लाए, 2000% चांसेस है। अब आप ही देखिए ना, 45 डिग्री में चल रही हैं, आपको प्रणाम एक जोरदार ताली इनके लिए।
आर भारत भाई मान गए आपको, चार दिन से हमारी ये नारी शक्ति इस भीषण गर्मी में चल रही है जहां पे और रिपोर्टिंग दे रही है देहात का, सत्य का, कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं बीहड़ अंदरूनी गांव में भी है, न कि गोरखपुर शहर में है। ये सत्य है जो कि सब लोग कहते हैं हरा हरा, फिर एक बार भारत माता की। और ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री में दीवानगी देख रहे हैं, ये मोदी जी की दीवानगी। हमारे मोदी जी के कमल निशानिया हो, मोदी जी के कलम निशानिया हो, हमारे योगी जी के कमल निशानिया हो, चला हो सखी वोट डारे कमल निशान हो, चला हो सखी वोट। फिर आई जितला के बाद विधायक जी के साथे, सर एक बार फिर से वो डायलॉग बोल दीजिए, चला हो सखी वोट डारे कमल निशान, दोनों हाथ उठा ला बोला हारा हारा, बोला भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। जीत हमारा आवाज चल गई, काहे की बहुत 2 महीना से घूमत है, जीतला के बाद हम आई और गायब और साथ साथे सबके नाच भी दे, ठीक बात। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को योगी आदित्यनाथ महाराज कहते हैं।